नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। कांडी से हमारे संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरकोनी पंचायत में आवास के नाम पर अवैध वसूली जारी है। इस आशय की जानकारी पंचायत मुखिया मीना देवी ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने कहा कि 2011 की सूची में नामांकित सभी लाभुकों का आवास अवश्य बनेगा। जिस लाभुक को 2011 से 2016 तक के बीच आवास नहीं मिल पाया है या मिट्टी का घर है, उन्हें आवास मिलेगा। यह चिंता सरकार की है, गरीब लाभुकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ गरीब लाभुकों से पंचायत में दलाल के द्वारा आवास के नाम पर पैसा की मांग की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आवास के नाम पर पैसा मांगे तो कतई नहीं देना है। यदि लाभुकों से कोई भी पैसा मांगता है तो मुखिया को सूचित करें व लिखित अवश्य दें। आवास में अवैध वसूली करने वाले लोगों पर कांडी थाना में FIR दर्ज कराऊंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता निश्चित रहे कि पैसा नहीं देने पर आपका आवास रुक जाएगा या सूची से नाम कट जाएगा। वहीं सरकोनी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अरुण सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव व समय सेवकों को मैं बार बार हिदायत दे रहा हूं कि लाभुकों से पैसे की मांग करने की शिकायत आ रही है। श्री सिंह ने सभी ग्रामीणों से पंचायत में पैसे की अवैध वसूली को रोकने में सहयोग करने की लिए उन्होंने बताया कि यहाँ के ग्रामीण किसी प्रकार के गरीबी में जी रहे हैं, इनका घर बन जाए यही कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकोनी पंचायत में पैसे की वसूली नहीं होने दूंगा, चाहे वो दलाल हों या पंचायत सचिव या स्वयं सेवक हों। मेरे ही परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं हो, वह निश्चित रूप से FIR का पात्र होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव एवं स्वयं सेवक किसी का आवास कटवा नहीं सकते। किसी भी लाभुक को डरने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे दिए ही सूची में नामांकित लाभुक का आवास अवश्य बनेगा। उन्होंने कांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी आग्रह किया है कि सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव एवं स्वयंसेवकों को अपने स्तर से हिदायत करें। सरकोनी पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे कांडी प्रखंड में गरीबों से कहीं भी पैसा वसूली न हो। उन्होंने कहा कि सरकोनी पंचायत के अलावे उक्त प्रखंड के अन्य पंचायतों में भी लोग आवास के नाम पर अवैध पैसा वसूली का शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने सभी मुखियागण से भी आग्रह किया है कि अपने अपने पंचायत में कड़ाई करें, वो ग्रामीणों को लूट से बचाएं। अरुण सिंह ने कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री का योजना है, उनका सपना है कि संपूर्ण देश में प्रत्येक गरीब के पास मिट्टी का घर नहीं बल्कि पक्का का आवास हो। उनके हर सपने को साकार वो गरीबों की मदद अवश्य करें। माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी कांगड़ी से भी आग्रह करता हूँ कि पूरे प्रखंड में इस पर कड़ा निगाह रखे पंचायत सचिव, स्वयं सेवक और खास करके मुखिया जीवन को। पूरे हमारे सूर्य मुखिया को भी हिदायत करें, हमारे भी प्रखंड विकास पदाधिकारी कहीं प्रखंड में अन्य जगह भी किसी भी तरह से कोई पैसा वसूली न हो। पैसा वसूली की शिकायत प्रखंड स्तर पर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर और नाम काटने के नाम पर, कुछ दलाल द्वारा, कुछ पंचायत और प्रखंड के कर्मियों द्वारा भी इस तरह की शिकायत सुनने को मिल रही है। इसलिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी से आग्रह करता हूँ कि मुखिया जी को भी हिदायत करें कि अपने अपने पंचायत में सख्ती से इसका पालन करें और पूरे प्रखंड में जो भी गरीब हैं उनका आवास समय से पूर्ण हो जाए। यही शुभकामना के साथ मैं ग्रामीणों को प्रखंड स्तर पर आग्रह करता हूं कि आप किसी को भी पैसा न दें, आप अस्वस्थ रहें, आप सभी का मकान बनेगा। आवास के रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा की वसूली ग्राम पंचायत सरकोनी में किया जा रहा है, इसको लेकर मैं पंचायत सचिव और स्वयं सेवक को बार बार हिदायत कर रहा हूँ। मुखिया जी सरकोनी पंचायत के मुखिया द्वारा भी इन लोगों को बार बार बताया जा रहा है, फिर भी इन लोगों द्वारा कड़ाई नहीं किया जा रहा है। आज भी मुझे रामलाल यादव की पत्नी द्वारा फ़ोन पर बताया गया कि मुझसे पैसे की मांग की जा रही है। मैं पुनः पंचायत सचिव सरकोनी और स्वयं सेवक को हिदायत देता हूँ कि दोबारा किसी भी तरह का नाम किसी लोगों का आता है, चाहे कोई दलाल हो, पंचायत सचिव हो, स्वयं सेवक हो या मुखिया जी के परिवार से किसी सदस्य का भी नाम आए, चाहे वो स्वयं मुखिया जी के बेटा ही क्यों न हो, मैं स्वयं क्यों न हूँ, स्वयं मुखिया जी FIR जाके थाने में कराएंगी। मैं पुनः पंचायत सचिव और स्वयं सेवक को पुनः हिदायत करता हूँ कि दोबारा किसी तरह का किसी का नाम पंचायत में नहीं आना चाहिए कोई पैसा की वसूली के लिए। और मैं ग्रामीण जनता सरकोनी पंचायत के सब से आग्रह करता हूँ, मैं 4 साल से सभी से आग्रह करते आ रहा हूँ कि आवास के नाम पर किसी को 1 रुपया भी आप नहीं दें, आपका आवास बनेगा। यह प्रधानमंत्री की योजना है, हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि पूरे देश में चाहे किसी भी गरीब का पक्का मकान अगर नहीं है, कच्चा का मकान है, उनका आवास बनेगा। अगर योग लाभुक हैं सरकोनी पंचायत के ग्रामीणों से पुनः आग्रह करता हूँ, जिनका 2011 की सूची में नाम है,
सभी का आवास बनेगा। ये मुखिया और मेरी जिम्मेवारी है, प्रखंड की जिम्मेवारी है, जिला अधिकारी का जिम्मेवारी। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।